अब देखो बीजेपी सरकार में कितना विकास हो रहा है हर कोई जाना थी, मैं बतावे कोई दो राय नहीं। तमाम भैया टीवी चैनल यही तो चलावा था कि बीजेपी सरकार में बहुत विकास हो रहा, तो हम आप लोगों का बता दी कि बाराबंकी जिले के सिद्धौर के जो बकायदा भैया लोधी गाँव पर जाते, यहाँ पर देखा तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे। डीएमएसपी साहब स्वागत अभिनंदन भी कर रहे थे। इस दरमियान भैया तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी दिख रहे थे और इनका देखो क्या बात है, बहुत चौचक नजारा दिख रहा था। अरे देखे भैया अरविंद भैया का देखो मां लटके जा रहे हैं, क्या बात है। और फूलन का भैया पूरा गुलदस्ता बढ़िया गाड़ियन के ऊपर दिख रहा था, पीछे काफिला दिख रहा था, बहुत गजब का नजारा था। हमने कहा तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी बाराबंकी जिले के सिद्धौर में पहुंचे थे, जहां पर देखा तो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता स्वागत अभिनंदन कर रहे थे। विकास से विकास हो रहा बीजेपी सरकार में। बाकी दूसरा खबर देखो भैया, अभी तो आता ही नहीं है अब जो देखो भैया वेद प्रकाश जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि देखो भैया देखो बाराबंकी जिले के जहांगीराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आंख वाला डॉक्टर नहीं आता है, आंख वाला डॉक्टर सालों से लापता है। तो हम तो कहेंगे कि क्षेत्रीय विधायक कौन है, शायद यहाँ के गौरव रावत जी हैं, वो बकायदा समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, उनको तनिक कहिए कि लेटर वेटर लिखे और यहाँ पर आंखों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, बढ़िया डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाए। तो वर्तमान विधायक झांकने नहीं आता है, पता नहीं कहाँ चला गया, दो दो बार चुनाव जीता है, एक बार भी आता है यहाँ पर देखने के लिए, कम से कम बढ़िया बढ़िया सुविधा उपलब्ध करवा दे, अरे इसका उद्धार ही कर दे, लेकिन देखने नहीं आएंगे। फिलहाल इन सब बातों की पुष्टि तो हमने करी था, लेकिन वेद प्रकाश जी खुद गए रहे हैं, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ये बता रहे कि देखो भैया ऐसा है, यहाँ पर आंख वाला डॉक्टर नहीं बैठता है, सालों से लापता है, सुविधाएं अच्छी नहीं मिलती। तनिक सुनो, आंखों की परेशानियां हैं, उसको दूर करने के लिए हॉस्पिटल में आंख का डॉक्टर तक उपलब्ध नहीं है, और अगर है भी तो आता ही नहीं है, न मालूम कितने महीनों से लापता है, सालों से लापता है। अब जो काम भैया सभा के विधायक गौरव रावत को करना चाहिए, वो काम देखा तो वेद प्रकाश जी कर रहे हैं। चलो सभा का नेता कम से कम देखने तो आ रहा है। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री ध्यान देंगे, ब्रजेश पाठक जी, उनके साथ साथ क्षेत्रीय विधायक भी लेटर पैड बना करके भेजेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। अरे यहीं तब तो भैया कुछ लिखे वहीं है, कुछ कह देंगे तो दिक्कतें हो जाएगी, साहब बुरा मान जाएंगे। बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा और वायरल वीडियो की पुष्टि हम बिल्कुल नहीं कही था, ना ही हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बाकी दूसरी खबर देख लो तुम लोग। अब ये देखो राम बाबू द्विवेदी तो लगा था भैया कहूँ से पोस्टर उखाड़ना है, देखा तो राहुल गांधी का पोस्टर लिए भैया घूम रहे थे और बढ़िया फूंक रहे थे और जमकर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। मामला कहीं और का नहीं, बाराबंकी जिले के बगले में राजधानी लखनऊ पर जाते, जहां पर देखा तो भाजपा किसान मोर्चा के भैया प्रदेश महामंत्री राम बाबू द्विवेदी जी का कहना है कि देखो भैया ऐसा है, कुछ दिनों पहले राहुल गांधी एक वीडियो बना रहे थे और जो सामने ममता दीदी नहीं है उनके कोनो भैया सांसद रहे जो मिमिक्री कर रहे थे, वो भी किसकी मिमिक्री कर रहे थे, कोई आम आदमी की मिमिक्री नहीं कर रहे थे, सभापति और भैया भारत के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे थे, जिसका वीडियो भैया राहुल गांधी बनाते हैं, बिल्कुल मजाक बनाकर रख दिया ये लोग, इसी वजह से हम लोग जो है इनका पुतला फूंक रहे हैं। वाह भैया देखो मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे, पुतला भी फूंक रहे थे। अब इस दरमियान भैया चंद्रशेखर भी दिख रहे थे, उमापति त्रिपाठी भी दिख रहे थे और राम बाबू द्विवेदी जी के साथ देखा तो अतुल सिंह भी थे, अतुल मिश्रा भी थे, प्रमोद और हैं भैया और तमाम उनके सहयोगी उपस्थित रहे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर में सहज की खबर इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन भी दबा दो। बाकी आपकी कार्य कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसे लगी।